डिस्क्लेमर, आज वाली वीडियो के अंदर एल्विश, रैंडम सेना और तुम्हारे पहलवानों पे रोस्ट है, और अच्छा रोस्ट है, वीडियो पूरी देखना। और हाँ, ऐसे चश्मे वालों पे ट्रस्ट नहीं करते, पहले बता रखा है। वीडियो को एंड तक देखें, खूब शेयर करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें घर पे आके मारने की धमकी ना दें। जय जिनेन्द्र। हेलो जी, आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेट के गैंगस्टर के ऊपर। अब तुम लोगों ने ना भैया अपने शहर के, अपने जिले के किसी ना किसी गैंगस्टर की स्टोरी सुनी होगी कि कैसे उसका रोला था, लोगों को मारता था, गरीबों को लूटता था, पुलिस की पड़ती थी उससे। लेकिन अब इंटरनेट पे हर तीसरा बंदा तुम स्क्रॉल करोगे गैंगस्टर बना घूम रहा है। 36 बिरादरी का सपोर्ट लेके आपस में ही हिंदू लड़ रहे हैं, कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई यादव है, आपस में ही ये भाई लोग लड़ रहे हैं और खुद को गैंगस्टर बता रहे हैं। और मेरी नजर में सारे के सारे, अब मुझे ये भी पता है कि काफी सारी जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे थ्रू किसी कॉन्ट्रोवर्सी को डिस्कवर करती है, तो मैं तुम्हें बस ये बता दूं कि आज मैं उन लोगों को एक्सपोज करने वाला हूं जो इंटरनेट पे गैंगस्टर बनते हैं और रियल लाइफ में पता चलेगा कि ये सिर्फ गैंगस्टर बनने का नाटक कर रहे हैं ताकि इंस्टाग्राम पे व्यूज और फॉलोवर बढ़ सके। देखो, इस वीडियो को प्लीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लेके जाना, लेकिन आज मैं तुम्हारे कट्टर हिंदू, तुम्हारे हिंदू धर्म के रक्षक और तुम्हारे हिंदू बदमाशों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और आज मैं रोस्ट भी करूंगा। अगर तुम्हें नहीं पता ना भैया, तो नेटफ्लिक्स जो कंपनी है वो हर साल लॉस में जा रही है, और जिस हिसाब से इंस्टाग्राम पे लफड़े चल रहे हैं, मेरे को लगता है कि नेटफ्लिक्स जो है इंडिया से हमेशा के लिए गुड बाय टाटा बाय बाय हो जाएगा। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्विस यादव वर्सेस रैंडम सेना वर्सेस रजत दलाल वर्सेस राजवीर फिटनेस। अरे बस कर भाई। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे एक इन्फ्लुएंसर व्यूज और फेम के लिए अपने एथिक्स, अपने मोरल्स को बेच देता है और जरूरत पड़ने पे खुले आम किसी बंदे को बस के आगे मरने के लिए फेंक दे। तो जैसा कि मैंने कहा, सभी लोगों को कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में पता नहीं होता, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कॉन्टेक्स्ट। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है, आज सबकी रिमांड लगेगी और सबके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहला कैरेक्टर है रैंडम सेना, जो कि एक पेज चलाते हैं। पेज के ऊपर वो क्या करते हैं कि अगर कोई बंदा हमारे धर्म के बारे में, श्री राम के बारे में कोई गाली गलौज कर रहा है, तो उसके खिलाफ कैंपेन होता है, उसे अरेस्ट करवाया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। रैंडम भाई, मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो देखते हो, ये काम आप बहुत बढ़िया करते हो, लेकिन कुछ पॉइंट। अभी सीन में एंट्री होती है एल्विस यादव की, जो कि एक चैरिटी मैच खेलते हैं और उसके अंदर वो हक कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं मुनावर फारूकी को। वही मुनावर फारूकी जिसने श्री राम माता सीता के ऊपर जोक बनाए थे, हिंदू के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया, एंड जब उसे कॉल आउट किया गया तो एक प्रॉपर अपोलॉजी भी उसने नहीं मांगी। तो ऑब्वियसली रैंडम सेना धर्म के रक्षक ने एल्विस यादव के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट कर दिया कि आप सॉरी बोलिए हमारे हिंदू भाइयों से कि आपने उस मुनावर फारूकी जिसने श्री राम के खिलाफ जोक बनाए उसको गले क्यों लगाया, और गले लगाया ही क्यों अगर आप खुद को इतने सालों से कट्टर हिंदू बोलते हैं। अब इधर एल्विस ने बोल दिया कि यहां से लेके यहां तक का जोड़ लगा ले, लेकिन मैं तेरे को सॉरी नहीं बोलूंगा। लेकिन तभी उस गर्मा गर्मी के बीच एक और कॉन्ट्रोवर्सी शुरू होती है, मैक्सटन वर्सेस एल्विस यादव। मैक्सटन ने एल्विस ने जब मुनावर को गले लगाया उस चीज पे एक मीम बनाया, और उसके बाद एल्विस भाई ने बड़े ही प्यार से मैक्सटन को समझाया। खैर, मेरी पिछली वीडियो इसी टॉपिक पे थी, तो अगर तुम्हें ये केस समझना है तो वो देख लेना, क्योंकि मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ था भाई। और क्यों ना हो भाई, अपन वेट कर रहे थे कि संडे को फुल कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, बढ़िया से संडे मनाएंगे, लेकिन रजत दलाल कहां से बीच में आया, इसने कॉन्ट्रोवर्सी सोल्व करवा दी, है कौन बैंड का। इन तीनों लोगों ने आपस में मिलके मैक्सटन वाली कॉन्ट्रोवर्सी को सोल्व कर दिया और बोला भाईचारा ऑन टॉप, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से टॉप कौन है और बॉटम कौन है। रैंडम और एल्विस की बकचोदी चालू है। रैंडम सेना ने यूट्यूब पे चैनल बनाया, उसके ऊपर वीडियो डाली जिसपे मिलियन में व्यूज आए, जिसके अंदर उसने एल्विस यादव को कहा गद्दार हिंदू। अब यहाँ पे जो है वीडियो सीरियस होती है, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि रैंडम सेना ने एल्विस को गद्दार बताते हुए ये बताया कि वो सट्टा प्रमोट करते हैं। रैंडम सेना ने यह भी बताया कि एल्विस यादव ने अभिषेक मलांग के खिलाफ नेगेटिव पीआर भी की थी। उन्होंने ये भी बताया कि एल्विस यादव अपनी फैन गर्ल से मिलने के लिए अंडर एज लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन इसी बीच रैंडम सेना जो है रजत दलाल को दलाल मतलब ब्रोकर मतलब दल्ला बोल देते हैं, और इसी बात पे रजत दलाल जिन्होंने मैक्सटन का प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो ऑफेंड हो जाते हैं रैंडम सेना से। मेरे को पता है खिचड़ी बन रही है, लेकिन मजे आएंगे, तुम कंटिन्यू रखो हैं। उसके बाद रजत भैया बहुत ही कामली
रेंडम सेना को रिप्लाई देते। वो टाइम भी दूर नहीं है कि तू हनुमान चालीसा सुनाता दिखेगा सबको लाइव में। इंसान है भाई, तू इंसान है, और मैं वो नहीं हूँ जो स्टोरी डाल के पूछेगा कोई बता दो मेरे पास तेरा चिट्ठा पट्टा है। तू अभी भी जिस पेज से, जिस फोन से पेज चला रहा है ना, मैं 10 मिनट में ट्रेस करवा सकता हूँ, तू बहम में हो। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैटर सॉल्व होने वाला है ना, लेकिन यहाँ पे खिचड़ी और ज्यादा पक जाती है, क्योंकि रजत दलाल एक और लाइव के अंदर उनके ही टाइप के एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर को गाली दे देते हैं, जिनका नाम है राजवीर फिटनेस। फिर क्या था, रजत भाई भी बदमाश, राजवीर भाई भी बदमाश, ये आपस में इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू लड़ने लग गए, फिर लाइव के थ्रू लड़ाई हो गई, और फिर ये लोग आपस में पहुंच गए एक दूसरे की लोकेशन देखते देखते। सुपरमार्केट में हूँ, अगले 2 मिनट यही रहूंगा, आ जा आजा आजा भाई, कर रहे तेरा इंतजार, यही यही खड़ा हूँ, आजा आजा फटाफट आजा। तू आ, तू बाहर ही खड़ा हूँ। आ जाना भाई, कितनी देर में आ रहा है, कमरा ले लिया होटल में, लोकेशन तेरे पास है, आजा दम है तो। आजा आजा, अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आजा। अब तक तुम लोगों को इतनी खिचड़ी समझ में आ गई होगी कि एल्विस वर्सेस रैंडम सेना के बीच मैक्सटन, रजत दलाल और ये फिटनेस, क्या नाम था इसका, राजवीर फिटनेस कैसे घुसा। लेकिन अब यहाँ पे मैं शुरू करूंगा अपना रोस्ट, तो शुरू करते हैं, एक एक नमूनों को घेरते हैं। मैंने तुम लोगों को पहले ही कही थी कि जो एलिगेशन रैंडम सेना ने एल्विस यादव पे लगाए वो तुम ध्यान से सुनना। जब कट्टर हिंदू एल्विस मुनावर को हक कर लेते हैं, तो रैंडम सेना उनसे सॉरी बुलवाने के लिए काफी टाइम से कैंपेन चला रहे थे, और इसी बीच उन्होंने एल्विस को कॉल आउट करते वक्त कई सारे एलिगेशन लगाए कि वो कट्टर हिंदू नहीं है, कि वो पैसों को धर्म से ऊपर रखता है, वो गद्दार है, और जो मैंने तुम्हें एक सीरियस एलिगेशन बताया था कि उससे मीटअप करने के लिए वो अंडर एज लड़कियों के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। अभिषेक मल्हान के खिलाफ कैंपेन चलना था, तब लड़की वाला चीज आया कि लड़की वाला केस उठाओ कि ये लड़कियों के साथ थरकीगिरी करता है, तो कटारिया ने बोला नहीं नहीं वो चीज मत करो। नहीं नहीं एल्विस ने भी बहुत लड़कियों को बुला के रूम में किया है, एल्विस आर्मी, अगर आप मुझे पोक करोगे तो मैं वो भी रिलीज कर दूंगा। बहुत सारी लड़कियों को ऐसे भी कि एल्विस के इससे मिलाने के लिए भी इनके जो 2-3 भाई हैं ये सोए हैं लड़कियों के साथ, वो भी नाबालिग लड़कियों, 18 से नीचे की लड़कियां, प्रियंका कानूनगो जी को टैग करके स्टेटमेंट दिलवा देंगे, बर्बाद हो जाएगा। जब रैंडम सेना एल्विस के खिलाफ, जो कि उनका ही दोस्त था, उसके खिलाफ इस तरीके के एलिगेशन इंटरनेट पे लगा रहे थे, तो ऑडियंस काफी हाइप अप हो गई। कुछ लोग एल्विस को गाली देने लग गए, कुछ लोग रैंडम सेना को ही गाली देने लग गए। लेकिन मेरे जैसे बंदे का दिमाग ये चला कि रैंडम भाई, आई नो आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको पता था कि एल्विस पास्ट में सट्टेबाजी प्रमोट करता है, अब वो गलत है कि एल्विस पास्ट में अंडर एज लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना चुका है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काफी बड़ा अपराध है और एथिकली भी रॉन्ग है। तो अगर आप कट्टर हिंदू हो, आप धर्म के लिए स्टैंड लेते हो, तो आज मुनावर को जब एल्विस ने हक कर लिया, तो ये आपके लिए इतनी बड़ी चीज है कि आपने दोस्त से फाइट कर ली, लेकिन कल जब उन्हीं हिंदू भाइयों को, आपके हिंदू भाइयों को सट्टेबाजी प्रमोट कर रहे थे, तब आपने कुछ नहीं बोला। जब कल आपकी ही हिंदू बहनों के साथ एल्विस ऐसा कर रहे थे, अगर आप सही कह रहे हो तो आपने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो आप भी तो धोखेबाज दोगले हुए ना। मतलब एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि एल्विस के अंदर ईगो आ गई है कि वो धर्म से ऊपर पैसों को रखता है और वो सॉरी नहीं बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको पता था कि आपका दोस्त हिंदू भाइयों के साथ, उन बहनों के साथ गलत कर रहा है, बट आपने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो क्या था रीजन? पैसा था, दोस्ती थी, तो आपने भी पैसा और दोस्ती को धर्म के ऊपर ही रखा है। दोगले तो आप भी हो, हर आदमी दोगला है। देखो रैंडम भाई, कुछ पर्सनल नहीं है, मैं बस अपना पॉइंट, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, जिस चीज के लिए चैनल है। रजत दलाल भाई, मैं आपके सरनेम पे जोक नहीं मारूंगा, मेरी फटती है भाई, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम पे दिन में 4 बार लाइव आऊं। रजत दलाल जो कि क्लेम करते हैं कि वो कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही दिन ढलता है लोग उनके सामने आके बकचोदी काट देते हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूं। मैं सही बताऊं, इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि रजत दलाल गूगल पे सर्च करता होगा कि बेस्ट कलेश नियर मी। बहुत फनी यार। जोक असाइड, रजत और राजवीर की जब पहले फाइट हुई, जब ये लोग मिलने वाले थे, तब रजत भाई की पड़ गई, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन उसी कंट्रोवर्सी के बीच रजत दलाल ने राजवीर भाई के खिलाफ एक एलिगेशन लगाया कि इन्होंने पास्ट में एक लड़की के साथ बलात्कार किया। आई नो मेरी ऑडियंस इन सब चीजों को लेकर रेडी नहीं होती, ये सब बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, आई नो, लेकिन
वीडियो के लिए आज जरूरी। अब उस पास्ट में हुए इंसिडेंट को, जो पता भी नहीं है सही या गलत, रजत दलाल ने राजवीर की इमेज खराब करने के लिए उस कंट्रोवर्सी को बहुत यूज किया। डियर रजत भाई, अगर राजवीर ने ये चीज सही में की है तो वो लीगली क्रिमिनल है और उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने सही किया, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़े दिनों पहले आपने अपनी ही स्टोरी में, इसी कनाडा में आपका किसी लड़के से लफड़ा चल रहा था, वहां पे आप उसकी एक्स के जिस्म का बखान कर रहे थे जस्ट किसी लड़के को पुल डाउन करने के लिए, आप उसकी एक्स के बारे में इंटरनेट पे गंदी सी चीजें बोल रहे थे। बॉडी पे तिल कहाँ का है ना वो तक बता सकता हूँ, ठीक है? थोड़ी औकात में रहो। अगर महीनों की बकबक एक स्टोरी में। अब तुम लोग बहुत ही समझदार हो, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, रजत भाई जो कि एक लड़की के हक के लिए राजवीर से लड़ लिए कि तू ऐसा कर रहा था तेरे को सजा मिलेगी, एट द सेम टाइम खुद किसी से रिवेंज लेने के लिए उसकी एक्स की इज्जत की, तो रजत दलाल भाई सॉरी टू से, पर आप भी दोगले हैं। हर आदमी दोगला है। अब हम बात करेंगे हम सबके फेवरेट एल्विस भाई। जो मैंने 4 दिन पहले रिकॉर्ड की थी, और कल परसों में एल्विस भाई गिरफ्तार हो गए। जिस केस के लिए वो गिरफ्तार हुए हैं वो है स्नेक वेनम वाला केस, जिस पे मैंने बहुत डिटेल्ड में वीडियो बनाई थी, है ना? तो अगर तुम लोगों को लाइक टाइटल सिमिलर होगा, अगर तुम उस चीज़ के लिए आए हो तो तुम वाली वीडियो मेरी देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। हाँ, पहले इसको देख लो, कंटिन्यू कर लो। सबसे पहले एक क्विक अपडेट, किरणम सेना और एल्विस की जो फाइट चल रही थी वहां पे एल्विस ने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने क्लियरली हिंदू से माफी मांगी है गले लगने के लिए, उन्होंने रैंडम सेना से माफी नहीं मांगी। तो रैंडम सेना के लिए काइंड ऑफ विन भी है कि एल्विस ने सॉरी बोल दिया, लेकिन उनसे माफी नहीं मांगी तो खैर। यहाँ पे मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि एल्विस ने हर बार जस्टिफिकेशन यही दिया है कि उसने एक जगह मुनावर को हग इसलिए किया कि वो उसको चिढ़ा रहा है, लेकिन उसके फैंस भी उन ट्वीट के नीचे कमेंट कर रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार जब मैच स्टार्ट हुआ तब हग किया, व्लॉग्स के बीच में हग किया, और भी कई हंसी मजाक चल रहा था। तो एल्विस भाई मुझे पता है आप भी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा तो फिशी था। दूसरी चीज, आप अपनी वीडियो के अंदर एक तरफ ये बताते हैं कि आपने पास्ट में हिंदुइज्म के लिए क्या क्या किया है, जिसके लिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड मेरे और आपकी एक बार इंस्टाग्राम पे बात हुई थी और मैंने आपको यही बोला था कि ये जो चीज आप करते हैं इसके लिए हम आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको हेट इसलिए पड़ रही थी क्योंकि आप खुद को क्लेम करते हैं कट्टर हिंदू है। जो आपके साथ दूसरे लोग थे, अजय हो गए, सचिन तेंदुलकर जी हो गए, जो भी हो गए, वो लोग खुद को क्लेम नहीं करते, उनके फॉलोवर इस तरीके से नहीं बढ़े। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एल्विस भाई आप हमेशा भाईचारा ऑन टॉप करके किसी भी कंट्रोवर्सी को एंड कर देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी ही कम्युनिटी के एक बंदे मैक्सटन को मार के आ गए। आप रैंडम सेना जो कि आपके दोस्त थे, आपने उनका फोटो, आपने उनका एड्रेस, नंबर सब कुछ रिवील कर दिया, जिसके चक्कर में उनकी जान भी जा सकती है। बट एट द एंड, क्योंकि मैं खुद को अनबायस्ड कहता हूँ, एल्विस यादव की जो वाली वीडियो थी आई एम सॉरी वाली, उसके अंदर कुछ चीजें बहुत ही सही थी। जैसे उसने जो बताया कि पास्ट में उसने स्टैंड लिया है, विच इज ट्रू, कि वो खड़ा रहता है। सेकेंड चीज, उस वीडियो का लास्ट पार्ट जहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है इंटरनेट के बदमाशों के साथ, जिसमें आप भी आते हो एल्विस भाई, कि हिंदुइज्म को बांट के आपस में ही ना लड़ा जाए। मेरे पूरे हिंदू समाज को बोलना चाहूंगा कि कृपा करके आपस में ना लड़े, ये टाइम नहीं है लड़ने का, ना हमारा मन करता ना हमें करनी चाहिए आपस में लड़ाई खासकर। और जितने भी लोग कम्युनिटी में बट रखे हैं, यादव, राजपूत, जाट, गुजर, बामण, 36 बिरादरी हमारी, ये सारी एक हो, लड़ाई बिड़ाई बंद हो। जगदे इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर सीन है जहाँ पे जो प्लेयर्स रहती है वो खुद को रिप्रेजेंट करती है बाय स्टेट। तो वहां पे शाहरुख खान बोलते हैं कि तुम इंडिया से हो, एंड वो थोड़ा सा रूडली बिहेव करते हैं कि अगर तुम एज अ इंडियन खुद को काउंट नहीं करते तो फिर क्या फायदा। सिमिलरली इंटरनेट पे एक तरफ ये जो पहलवान लोग है ये कहते हैं भाई 36 बिरादरी एक जैसी है, लेकिन दूसरी तरफ जाट हम तो बेटर है भाई, हम पहलवान है। दूसरी तरफ भैया राजपूत लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम ज्यादा बदमाश है, हम पहलवान है। यादव लोग मान नहीं रहे, चौधरी लोग तो मेरे से भी लड़ रहे हैं। अबे तू तेरी बॉडी देख ले यार वीर। ऑनेस्टली ये देख के मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि जो चीज सालों पहले अंग्रेजों ने की थी, हम लोगों को आपस में बांट के लड़वा के वो लोग राज कर रहे थे, उनके जाने के बाद, इतनी यूनिटी होने के बाद, हम ही आपस में लड़ रहे हैं, और वो भी क्यों, पहलवान तो मैं हूं। अबे 5-6 लोग इधर से आ गए,
पांच छह लोग इधर से आ गए, आपस में लड़ लिए, एक दूसरों का खून कर दिया, मार दिया, और लास्ट में एक बंदा अगर पहलवान बन भी गया तो दूसरे लोग उसको मारेंगे क्योंकि भैया रिवेंज लेना है, हम आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं भाई। अब आज की वीडियो ऑलरेडी सीरियस हो चुकी है, हम बता चुके हैं कि यहाँ पे सभी दोगले हैं, तो मैं इस टॉपिक को ज्यादा खींचूंगा नहीं, मैं आता हूँ सीधे कंक्लूजन पे। मैं ये चीज पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि इंटरनेट के कलेश, इंटरनेट की लड़ाई इंटरनेट तक ही रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो रियल लाइफ में लड़ाई होती है ऑफिस के नीचे ट्रैफिक सिग्नल पे, दो बंदे कार लड़ने पे भिड़ गए, तो उसके अंदर ना आपका कोई रोल नहीं होता। दो जने लड़े, मारकूट की, पुलिस कंप्लेंट हुई, दोनों को लठ पड़े, जिस बंदे के पास पैसे हैं उसको जल्दी बेल मिल गई, फ्री। लेकिन अभी जो ये जो पहलवान बन रहे हैं, बदमाश बन रहे हैं, जब इंटरनेट पे दो बंदे अपनी कास्ट को आगे करके लड़ते हैं कि मैं जाट हूं, मैं जाट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो लड़ लेता है एक राजपूत से, जब चार लोग इधर के आके इसको मार देते हैं तो इसने जाटों से पूछ के लड़ाई नहीं करी, लेकिन जब ये मार खा के घर आ गया, जब इसकी फट गई, तो इसके सपोर्ट में ये अपनी कम्युनिटी के लोगों को बुला देता है। इंटरनेट इतनी जगह, इतनी वेली जगह है कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में काफी सारे जाट भाई हैं जो रियल लाइफ में उसके साथ लड़ने पहुंच जाते हैं, जब वो मार खाते हैं या वो सामने कम्युनिटी को मार देते हैं तो वो लोग जो इन दोनों को जानते भी नहीं है वो आपस में लड़ रहे हैं। इंटरनेट पे हेट बढ़ रहा है, तुम दो के आपस में लड़ने की वजह से दो कम्युनिटी के बीच, दोनों कम्युनिटी एक दूसरे को बेटर और स्ट्रॉन्ग प्रूव करने के लिए लग पड़ी है, और तुम दोनों ने इतनी हेट बढ़ा दी है, जबकि तुम दोनों एंड में साथ में आके बोल दोगे कि भाईचारा ऑन टॉप। तो ये सब चीजें, आपस में लड़ना, लाइव जाना, लोकेशन देना और एंड में समझौता करना, ये सारी चीजें एक्चुअली लड़ाई होती नहीं है, ये सभी चीजें बहुत ही बेटर तरीके से स्क्रिप्टेड होती है कि भैया हम दोनों एक दूसरे से लड़ लेंगे, दोनों के मिलियन में फॉलोवर हो जाएंगे, चार पांच दिन बाद बढ़िया बढ़िया ब्रांड डील्स मिलेगी, पैसा कमाएंगे और लोगों का काट दिया। लेकिन उन लोगों का कटा है जो तुम दोनों चक्कर में एक दूसरे की कम्युनिटी को गाली दे रहे थे, थ्रेट दे रहे थे, और जिस बंदे को सच में लग गई है, किसी ने अपना बेटा खो दिया है ऐसी लड़ाई में, किसी ने अपना बाप खो दिया ऐसी लड़ाई में, और हमें कुछ खोना नहीं है इसलिए अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आज की वीडियो पे ओपिनियन देना इसीलिए जरूरी था भाइयों कि ये जो बदमाशी है ये इंस्टाग्राम रील पे छा चुकी है, ऐसे ही काफी लोग बदमाश बनेंगे आगे क्योंकि ये एल्गोरिथम बन चुका है। तुम लोग ना बनो, अपनी समझ को उपयोग करो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीजें देखो मत, मेरे को पता है एंटरटेनमेंट मिलती है देखो, बट पार्टिसिपेट करना ही नहीं करना है, किसी को फॉलो करना ही नहीं करना है, उसके कहने पे किसी को गाली देनी ही नहीं देनी है। एट द एंड तुम्हारे पप्पा फीस इसलिए भर रहे हैं ताकि तुम कॉलेज में जाओ और अच्छी जॉब लगे, प्लेसमेंट होने पे भैया तुम अपने बाप को कार घर ये सब सपने पूरे कर सको। इंटरनेट पे बैठ के 2 घंटे किसी की लड़ाई का वेट करने से बेटर है कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। मोरल ऑफ द स्टोरी, सारे इन्फ्लुएंसर बहन हैं, सारे इन्फ्लुएंसर पैसों के भूखे हैं, व्यूज के भूखे हैं, इंक्लूडिंग मी, अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये वाली लाइन मैंने कॉपी की लक्ष्य चौधरी की वीडियो से, क्रेडिट भी दे देता हूँ, कल को वो मेरे को गाली दे दें तो फिर महेश्वरी और चौधरी के बीच में लड़ाई हो जाए व्यूज के लिए। तो बस यार, अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज तो बहुत ही रिस्क ले लिया, अब कोई बंदा मुझे मारे उसके पहले मैं जा रहा हूं। और हाँ, जॉर्डन और हीर पे मेरा नया गाना किस्मत ही गांडू आ चुका है या आने वाला है, एक बार चैनल पे चेक कर लो। ठीक है यार, लव यू, क्या पता लास्ट वीडियो। बाय।